हैं आप सभी? बढ़िया, वेरी गुड। देखिए, आपको लाइसेंस मिलेगा, लाइसेंस के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी कि सभी ट्रैफिक नियमों को रोड पे आपने फॉलो करना है। ट्रैफिक नियमों को फॉलो क्यों करना है? क्योंकि हमें रोड पे हमारी और दूसरे रोड यूजर की सेफ्टी के लिए। हमारे इंडिया में अप्रोक्सीमेट हर मिनट बाद एक एक्सीडेंट, हर 3.5 मिनट के बाद एक आदमी रोड क्रैश में चला जाना, 1 घंटे में करीब 17 से 18 लोगों की जान चली जाती है, पूरे साल में करीब 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है। और मेन कारण क्या है इसके? ट्रैफिक रूल का वायलेशन। अगर हम ट्रैफिक रूल का वायलेशन बंद कर दें तो उसी टाइम ये ग्राफ एकदम नीचे आ जाएगा। आप लोगों ने ये ध्यान रखना है 2023 में कि हम चंडीगढ़ को एक्सीडेंट फ्री बनाएंगे, और आप लोगों का सहयोग ही इस काम को आगे लेके आ सकता है कि आपने रोड पे चलते हुए एक नई कसम लेनी है इस साल में कि हम किसी भी ट्रैफिक रूल का वायलेशन नहीं करेंगे। ये ध्यान रखें आप। दो मेन डिवाइस हैं जो हमें हमारी सेफ्टी करती हैं, 2 व्हीलर पे हेलमेट, 4 व्हीलर पे सीट बेल्ट। आपने ध्यान रखना है, 2 व्हीलर पे जब भी आप चलते हैं, हमेशा चाहे आप चला रहे हैं चाहे पीछे बैठे हैं, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल, हेलमेट, पगड़ी या दस्ता जरूर लगाएं, वही आपको सेफ्टी करेगा। हेलमेट 4 साल और उससे अबव सबके लिए जरूरी है। हेलमेट ISI मार्क का BI स्टैंडर्ड होना चाहिए। हेलमेट आपके सर के साइज का होना चाहिए। हेलमेट रिफ्लेक्टिव भी होना चाहिए। स्ट्रैप और हेलमेट का हमेशा बंद रखेंगे। दूसरा, सीट बेल्ट। सीट बेल्ट 14 साल और उससे अबव सबके लिए जरूरी है। चाहे आप आगे बैठे हैं चाहे पीछे बैठे हैं, हमेशा अपनी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट लगाएं। और सीट बेल्ट जड़ी है पिछली सीट पे भी लगानी बहुत जरूरी है, उतनी जरूरी है जितनी आगे आ। जो के हिट होंगी है गड्डी ते इड़ा पिछे सीट पे बैठा बंदा वा उस ज्यादा स्पीड ना आके डैशबोर्ड से वजदा, उदा सिर वजदा है, वह अगे वाले भी डिस्टर्ब करता है। तुसी देखा सारस मिस्त्री जी पिछे बैठे सी, जसपाल पट्टी जी पिछे बैठे सी, है बड़िया महान हस्तियां जड़िया पिछे बैठिया सीगियां, तो पिछे बैठन के नाल यह नहीं है कि तुसी सेफ हो। अगर गड्डी हिट होंगी है तो तुसी अगे जाके डैशबोर्ड ना वजोगे और ज़्यादा चोट आएंगे। और बैल्ट जड़ी है पिछे भी उन्नी जरूरी है जिन्नी अगली सीट पर जरूरी है। अगर आप ही करते हैं अगली सीट वाले बैल्ट पा लेंगे, पिछे उदा ही बैठे हैं सारे, पर जो गड्डी हिट होंगी है उदो पिछे वाले अगे आने हैं सारे। आगे वाले को भी मार देता है पीछे, आगे वाले को डिस्टर्ब करते हैं अगर सीट बेल्ट, क्योंकि पीछे सीट बेल्ट आगे से भी जरूरी है, क्योंकि हम हाँ, हम सो भी जाते हैं पीछे, मोबाइल भी यूज कर रहे होते हैं, आगे तो हमारा ध्यान होता ही नहीं। और जो आंकड़ा निकल के आ रहा है सीट विदाउट सीट बेल्ट डेथ का, वो पीछे वाली रियर सीट पे ज्यादा आ रहा है आजकल डेथ का जो आंकड़ा, और इसलिए आ रहा है कि पीछे हम सीट बेल्ट लगाते नहीं। जो भी ट्रैफिक रूल का आपने फॉलो करना है, सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए करना, चलान के पर्पज से नहीं करना। अगर हम चलान के पर्पज से करेंगे तो गलत करेंगे कुछ न कुछ। तो हमेशा ध्यान रखें, रोड पे चलते हुए सभी ट्रैफिक नियमों को फॉलो करें। आजकल फोग का टाइम है, धुंध का टाइम है, ध्यान रखें, फोग लाइट ऑन रखें, जहां धुंध है वहां पे स्लो गाड़ी चलाएं। और कई वीडियो हमने देखी है कि एक गाड़ी बजती है उसमें फटाफट वो अगर बंदे निकालते हैं इतनी बार में दूसरी उसमें बज जाती है। अगर हमारी स्पीड कम होगी तो बहुत सा एक्सीडेंट पे कंट्रोल हो सकता है। अगर उस रोड पे 60 की स्पीड लिखी है तो फोग के 60 की नहीं चलानी, ताड़ी विजिबिलिटी की कहती है, तुहानू किन्ना अगे दिखता है। जे धुंध बहुत ज्यादा वा तो बहुत स्लो चलानी पेगी, ठीक है। बाकी फोग लाइट का भी यूज करो, प्लस ये है कि जो गड्डी ताड़ी खराब हो जाती है उन्हें जल्दी रोड तो साइड पर करो, ता कि जी पिछे वाली गड्डी आ के तुहानू नुकसान ना पहुँचावे। और रिफलैक्टर जी अपना ला के रखो, जे तुसीं काले कपड़े पाए या तुसीं सड़क ते खड़ गए हो वह भी बहुत नुकसान देगा, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं फोग करके। तो अगर अक्सर आप करते हैं कि हाई बीम कर लें, फोग दे उत्ते हाई बीम ना कुछ नहीं दिखता, हाई बीम ना एक चक्कर जहा बन जाएगा, सड़क भी नहीं दिखेगी तुहानू, जो बुला आना ना वह हवादार तो धुंध जी आनी है तो तुहानू भी नहीं दिखना। लो बीम तो रखोगे तो तुहानू जी साइड पर एक वाइट लाइन लगी है किनारे तो वह भी दिखेगी, तो सड़क की जी वाइट किनारे लाइन लगी उसके सहारे ना भी तुम चलना है, पर तेज नहीं चलना क्योंकि सड़क भी काली है, अंधेरे च भी रात में जाना अपने, तो भी यूज करना है। तो जो अगे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो कोई अगे अगे एक्सीडेंट हो जाता है जो नहीं पता लगता, बहुत स्लो चलाओ गड्डी, आपको 20 भी चलानी पै सकती गड्डी, और घट तो घट सफर करो बिना मतलब तो सड़क तो ना निकलो जिन्ना चिर तक फोक पै रही है। जो मुझे लगता है शायद सबसे ज्यादा उनके लिए खतरनाक ज्यादा है, हाँ। टू व्हीलर के बीच में घुस आते हैं, क्योंकि ज्यादातर मैं देखा कि मैं भी टू व्हीलर चलता हूँ तो लेफ्ट साइड में लेकर चलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, टू व्हीलर कुछ लोग अपना स्टेटस समझते हैं, उनको हॉर्न देते हैं तो वो घूरने आते हैं हमें,
देखो टू व्हीलर की स्पीड जी टू व्हीलर की स्पीड जी घट होंगी जी अपना कारा की स्पीड है ज्यादा होंगी चंडीगढ़ इदा बार बार तो एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा रहेगा तो इसलिए जिसकी कम स्पीड है वो लेफ्ट रहे जिसकी ज्यादा है वो राइट रहे। कई चीजें मुझे देखने को मिली है डीएल मेरे पास भी है डीएल सब बना के जा रहे हैं। एक तो मैं मानता हूँ कि इंडिया के अंदर 70-80% डीपर यूज डीपर एट नाइट लिखा है किसी को डीपर का नहीं पता क्या है रेस्ट पास करके चले गए तो डीपर कितना इंपॉर्टेंट है रात के टाइम मैं समझता हूँ सीधा आग पे बजता है। इसलिए आज की गाड़ियों में तो फिर भी चलो नीचे देना शुरू कर दिया मेन लाइट। दूसरा हमारा ड्यूटी बनती है अगर चौड़ा रोड है तो हम राइट साइड को फ्री छोड़े तेज चलने वाले व्हीकल वही होता है ना। वैसे वो सर जो लेन सिस्टम है ना हम लेन सिस्टम को प्रॉपर फॉलो नहीं करते। देखिए लेन सिस्टम डिवाइडर से शुरू होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे चलती है। जो फर्स्ट लेन होती है वो ओनली ओवरटेक के लिए ओवरटेक लेन है। ओवरटेक करो अपनी साइड में चले जाओ ओवरटेक करो अपनी साइड में लेकिन ये कोई नहीं देखता। हमें तो ये नहीं पता ओवरटेक कौन सी साइड से करना है। मोस्टली लोग मैंने लेफ्ट से करते हुए देखे हैं। देखिए ये हमारी अवेयरनेस की कमी नहीं है हमें हमारी लाइफ की इम्पोर्टेंस पता नहीं है। हम ये नहीं सोचते कि मैंने बताया कि ट्रैफिक रूल को फॉलो करना है आपने यही बताया मैंने आपको फॉलो करना है आपने। अगर लेन सिस्टम भी तो ट्रैफिक रूल में आती है ना। जब कह दिया कि आपने राइट से ओवरटेक करना है फिर भी आप लेफ्ट ड्राइवर के लिए ब्लाइंड स्पॉट होता है। एक्सीडेंट इसीलिए ज्यादा हो रहे हैं रोडों पे और लेन सिस्टम के कारण चंडीगढ़ में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। और अक्सर देखा है कोई ढाबा आ जाता है कोई होटल आ जाता है उत्थे त्रिकोना होंदा है रोड होंदा है कोना आप करते हैं गड्डी कोना सैट करके ला के आप चाह पानी पीन लग जाते हैं। ठीक है 50 मीटर तक किसी भी कोने ते कोर्नर जरा जा मोड़ आ उत्थे आप गड्डी नहीं रोकनी गड्डी रोकोगे ताडा ही नुकसान होएगा। पार्किंग दूर की बात है स्टॉप कोई गड्डी आगे पलट भी सकती है कुछ भी हो सकता है और ताडी गड्डी ते मजेगी। यहां से दिल्ली रोड की तरफ जब जाता हूं मैं सारे ट्रक के लिए बोर्ड लगे हुए हैं कि ट्रक किस साइड में चलना है। ओके लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है हर जगह ट्रक के बोर्ड लगे हैं कि ट्रक इस साइड में लेकिन पूरे यहां से दिल्ली तक ट्रक बिल्कुल राइट साइड में टकरा के चलता है। हां ट्रक कोई राइट चल रहा है कोई साइड का टोटल रोड ट्रैफिक रूल हां ओवरटेक लाइन ओवरटेक लाइन हां सॉरी राउंड बोर्ड है ना राउंड बोर्ड ते बाइक से बंदे ने लेफ्ट मुड़ना ना गलती ना डिवाइडर क्रॉस कर गया जाम लगन गए जाम अपने आपे फसना जाम ज्यादा जाम भी लग रहा। सर मैं स्पेशली चंडीगढ़ के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चंडीगढ़ में जैसे टू व्हीलर के लिए अगर एक्सीडेंट फ्री करना हमारी भी ड्यूटी है मैं और मेरे बच्चे भी उसमें हो सकते हैं एक छोटे छोटे बीच में बोर्ड लगाया जाए कि टू व्हीलर इस साइड और फोर व्हीलर इस साइड। ये मेरी आपसे क्योंकि आपका चैनल सीधा आप आगे तक है हम तो आपको मानते हैं कि ट्रैफिक के आप ही हो मेन आप आगे पहुंचाओगे इस बात को जे पिछे खड़िया 15 गड्डिया खड़िया तो लेफ्ट साइड तानी आके अगे आके हट जाना। साइकिल के लिए वखरा साइकिल ट्रैक बना हुआ है। हाँ नहीं चलते हैं हम चलाते हैं हमारी टीम बनी हुई है बहुत ज्यादा हाँ बहुत ज्यादा चलाते हैं हम उनको इसलिए सवारी के चक्कर में देखते नहीं है एकदम मोड़ कहीं भी मोड़ देते हैं जैसे आ रहा ना कोई भी सवारी आ रही है वो यू करके खड़ा कर देगा बीच में एकदम कार आ रही है ना सर उसमें उनसे ज्यादा पब्लिक भागीदार है। पब्लिक अगर सवारी वहां खड़ी नहीं होगी क्यों रुकेगा सवारी स्टॉपेज पे जाके रुके। हम क्या सोचते हैं घर से निकले मुझे यहीं से व्हीकल मिले मतलब हम भी तो उसमें भागीदार हैं। हम नहीं खड़े होंगे हम प्रॉपर जगह पे जब बस स्टॉप पे जाके खड़े होंगे तो बस स्टॉप पे ही रुकेगा जाके वो देखो देखो नो बता रहा हूँ हर जगह नो नो पार्किंग का बोर्ड हर जगह लगा हुआ ऑटो वाला मारे वास्ते भी है टू व्हीलर वास्ते भी है और फोर व्हीलर वास्ते भी है 100% यही है वो रोकेगा ही नहीं बगैर सवारी नहीं दिखेगी दोस्त को वो ही रोकेगा जहाँ सवारी खड़ी होगी। सवारी कहाँ खड़ती है राउंड अबाउट के साथ ही
आगे रुक जाएगी। हाँ बिल्कुल, मतलब ऑफिस से निकलेगा बस मुझे यही मिले, अगर यही है आपने सवारी लेनी है तो जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है वो रुकेगा वहाँ पे, वो टैक्सी भी हो सकती है, वो ऑटो भी हो सकती है, अदर व्हीकल भी हो सकता है। नो देखो नो पार्किंग दे बोर्ड जड़े आ सड़क दे, एक सड़क जाओगे नहीं घट्टो घट चार पांच जगह तो लगे आ, चार पांच जगह तो लगे हुए हैं, ठीक है, फिर भी आप गड्डी खड़ी कर देने, गड्डी खड़ी करके तुसी फोन तो सुन रहे हो, सारी पिछे वाली ट्रैफिक जड़ी आ उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ आप पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं, कोई सवारी लैनी है ले सकते हैं, छड़नी छड़ सकते हैं, वह मतलब यह नहीं भी तुसी उत्थे डिपर ला के चारों चारों इंडिकेटर ला के ते दो घंटे तीन घंटे खड़े, वह गलत है, वह चलान भी होएगा और किसी का नुकसान भी होगा। यह नहीं सोचना कि आप अपना काम कर रहे हैं, पिछे वाला कोई भी टू व्हीलर आ जा एक्ट्रा वाला बच्चे अगर वज के उन्होंने कोई नुकसान पहुँच गया तो परचा दर्ज होएगा उस नो पार्किंग वाले के खिलाफ, ये नहीं कहना कि उन्होंने दिखा उसका रस्ता तुम रोकया, तुम कारण बने हो उस खतरे का, ये नहीं सोचना वो कोई भी काम ऐसा ऐसा करना जिदे नाल किसी नु कोई नुकसान होंदा, ये जिहड़ा आपां गड्डी रोक ली है कोर्नर ते रोक ली है कोने ते सारी ट्रैफिक डिस्टर्ब हो गई है। हाँ जी भाई, जैसे हमारे भूपिंदर सर ने बताया, एक बात मैं इसमें ऐड करूंगा, ध्यान दें, मान लीजिए सड़क की फोटो है और आपने गाड़ी यहाँ पे खड़ी करके आप मार्केट में चले गए, आप आते आधे घंटे बाद, आपकी गाड़ी जब यहाँ पे खड़ी थी एकदम तेज कोहरा धुंध पड़ रही है सड़क के ऊपर, आप आ रहे हैं इसी लेन में, आपको थोड़ी दूर तक का दिखाई देता है धुंध के अंदर, ऐसा होता है आजकल के मौसम में, आपने एकदम से गाड़ी दिखाई दी, या तो आप इस गाड़ी में ठोक देंगे या एकदम ब्रेक लेंगे या फिर आप और लेन चेंज करेंगे, कोई भी एक काम करते हैं, ब्रेक लेते तो पीछे आपके व्हीकल आ रहा है, आप ओवरटेक करते उस लेन में ऑलरेडी व्हीकल आ रहा है, वो बिजी सड़क है तो एक्सीडेंट होता है, किसके कारण हुआ, सारी ट्रैफिक किसके कारण डिस्टर्ब हुई, सिर्फ एक सिंगल गाड़ी का, इसलिए सड़क के किनारे पर जो व्हाइट लेन लगी होती है इसका मतलब नो पार्किंग होता है, आप यहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं करेंगे। और यदि जैसे सर ने अभी भूपेंद्र सर ने बताया था भाई, यदि कोई एक्सीडेंट होता है तो इस बंदे के खिलाफ भी पर्चा दर्ज होगा, क्योंकि इसके कारण किसी दूसरे बंदे की जान है। दूसरा, धुंध का मौसम है, रिफ्लेक्टिव कपड़े डालिए, रिफ्लेक्टिव कपड़े नहीं तो हल्की सी पट्टी आती है रिफ्लेक्ट कलर की वो डाल सकते हैं, टू व्हीलर के ऊपर है तो, गाड़ी में है तो आप वहाँ पर रिफ्लेक्टर पीछे टेस्ट कर सकते हैं, रिफ्लेक्टर टेप लगा सकते हैं, धुंध के मौसम में जब पीछे से लाइट पड़ती है चमकती है, जब आप बाहर किसी भी सड़क पर आप जाते हैं सबसे पहले आपने धुंध में एक काम करना कि स्पीड बिल्कुल स्लो रखिए, जब तक आपके सामने का आई विजन क्लियर ना हो तो आपने स्पीड नहीं बढ़ाई, स्पीड नहीं बढ़ाएंगे स्लो चलेंगे, कहते हैं ना कभी ना पहुंचने से देर भली, ना पहुंचने से तो थोड़ा लेट पहुंच जाए कोई बात नहीं होती, सभी के घर में परिवार इंतजार करते हैं, तो आप सड़क के ऊपर स्लो चलिए और सेफ रहिए। दूसरा, आई विल नॉट होंक, मैं हॉर्न नहीं बजाऊंगा, आज सभी के लाइसेंस बनेंगे, अपने आप से आपने एक प्रतिज्ञा करनी है कि मैं कभी भी बगैर किसी कारण के हॉर्न नहीं बजाऊंगा। देखिए हम सड़क के ऊपर, आपने यदि ऑब्जर्व करना है अपने व्यवहार को देखना है तो आप देख सकते हैं, आप लोग हम लोग सभी सड़क पे चलते हैं, जैसे ही लाइट ग्रीन होती है सबसे पीछे वाला भी हॉर्न बजाता है, हमारा व्यवहार बताता कि हमारी जो ट्रैफिक सेंस है वो गलत है, तो आपने क्या करना है कि जब तक जरूरत ना हॉर्न ना बजाइए, ब्लाइंड स्पॉट पे हल्का सा हॉर्न करिए, कई लोगों को देखते हॉर्न के ऊपर बैठ जाएंगे बिल्कुल बजाते रहेंगे, वो गलत तरीका है, गुस्सा हॉर्न पे ना निकालिए, अगले पे ना निकालिए, गुस्सा गलत चीज है। दूसरा, अभी हम कल एक सर्वे देख रहे थे कि उसमें चंडीगढ़ में करीब 12 लाख पॉपुलेशन है, उसमें 6 लाख के करीब चालान हुए हैं, ये रिपोर्ट बताती है कि चंडीगढ़ के लोग ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करते या बाहर से आते वो भी नहीं करते, तो हमने क्या करना है कि अपने शहर में आप अपने आप से वादा करें कि मेरा आज के बाद एक भी चालान ना हो, चालान ही नहीं बल्कि आपने एक जिम्मेदार नागरिक बनना है, किसी का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए सड़क पर, आप सभी सेफ रहिए सुरक्षित रहिए ताकि आपका आने वाला कल अच्छा हो। थैंक यू, धन्यवाद।